बैठक बीजेपी की। बैठक में चुनाव में प्रत्याशी चयन, चुनाव प्रबंधन पर चर्चा होगी। इसके अलावा बूथ प्रबंधन, चुनावी रैली और चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। 10:30 बजे कानपुर बुंदेलखंड के नेताओं की भी बैठक होगी। 1:30 बजे ब्रज पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 3:00 बजे काशी गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी, जिसमें निकाय चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों की बैठक होने जा रही। शाम 5:00 बजे 17 नगर निगम के प्रभारियों की बैठक, सह प्रभारी और चुनाव संयोजकों की बड़ी बैठक। बीजेपी ने अपनी टीम को 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी नगर निगम की जिम्मेदारी मिली है, वहीं ब्रजेश पाठक को आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी मिली है। सीएम अरुण को सहारनपुर क्षेत्र का जिम्मा दिया गया है। 10:30 बजे से बैठक शुरू होने जा रही है, बड़ी बैठक नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और ऐसे में जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और अब बीजेपी पूरी रणनीतियों के साथ इस चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लोगों को मिलने जा रही है, कई महत्वपूर्ण नेताओं को ये जिम्मेदारी मिली और संदीप हमारे साथ मौजूद है, अभी उनसे बातचीत करेंगे। संदीप से 1:30 बजे ब्रज पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक होगी, दोपहर 3:00 बजे भी काशी और क्षेत्रों की बैठक होगी। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, अब तो कुछ ही वक्त रह गया है निकाय चुनाव में और ऐसे में कुछ ही देर बाद बैठक भी शुरू होने जा रही है। महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लोगों को दी जाएंगी और क्या कुछ जानकारी है आपके पास संदीप इस खबर से जुड़ी? बिल्कुल स्वाति, देखिए भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर अपना एक पूरा जो रोडमैप है उसको तैयार कर रही है। खाका पहले ही खींचा जा चुका था, कह सकते हैं कि उसको अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए अक्टूबर शुरू हो गया है, नवंबर और दिसंबर में अगर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन अभी जारी कर देता है तो संभावित तिथि का भी पता चल पाएगा। अब आज इस तरीके से देखिए प्रदेश कार्यालय पर सुबह 10:30 बजे बैठक होगी, उसमें भूपेन्द्र चौधरी मौजूद रहेंगे, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। ये देखा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में चुनाव के मुद्दे किस तरीके से होने चाहिए, चुनावी रैली किस तरीके से होनी चाहिए, जनसभाओं में किस तरीके के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। आज सुबह 10:30 बजे की अगर बात कर लें तो कानपुर बुंदेलखंड की बैठक होगी, 1:30 बजे ब्रज की बैठक होगी, उसके बाद लगभग 3:00 बजे पश्चिम की बैठक और फिर उसके बाद 5:00 बजे सभी सह प्रभारी हैं, चुनाव संयोजक हैं, तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ बैठक होगी। क्योंकि देखिए सभी मंत्रियों की भी इस बार कह सकते हैं कि जो उनकी एक जिम्मेदारी है उसको भी बढ़ाया गया है। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक को आगरा का बनाया गया है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी में सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, असीम राय को भी जिम्मेदारी दी गई है, तो तमाम दानिश आजाद अंसारी को भी जिम्मेदारी दी है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल रही है, आगे आने वाले समय में और किस तरीके से लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। पिछली बार लगभग 14 नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल लहराया था और अब जिस तरीके से शाहजहांपुर के जुड़ जाने से 3 सीटें और बढ़ गई है, मतलब 17 नगर निगम की सीटें हो गई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना खाका तो तैयार किया ही है और ये कहना है कि हम 17 की 17 जो नगर निगम की सीटें हैं उस पर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजयी हो। इसको लेकर भी तमाम तरीके के जो प्रयास हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी लगातार इसके पहले या जब से वो प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने पद संभाला है लगातार वो बैठक आयोजित कर रहे हैं। जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग पहली बात तो आश्वस्त हैं क्योंकि हम लोग चुनाव के समय सिर्फ एक्टिव नहीं होते, इसके पहले भी हमारी पार्टी जो है वो रणनीति बनाती रहती है और लेवल पर काम करती रहती है। आज कई लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जानी है कि किस क्षेत्र में किसको भेजा जाएगा, वहां पर पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको किस तरीके से लोगों तक लेके जाना है, चुनावी मुद्दा किसको बनाया जाना है। कई कार्य ऐसे रहे हैं जो अभी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे किए हैं, उसमें चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यालय पर एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारत समाचार से खास बातचीत की, साथ ही साथ मुलायम सिंह की सेहत को लेकर भी जानकारी दी। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना एक रोडमैप तैयार कर रही है और आज निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बैठक भी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, कैसे देख रहे हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को अभी तैयार कर रही है। आज बड़ी बैठक है
और उनको हम तैयार करके सभी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो हमारे महापौर के पद हैं सबके लिए पार्षदों को जिस ढंग से हमें चुनाव लड़ना है उस प्रकार हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से 14 नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल फहराया था, इस बार सर 17 निगम सीटें हो गई हैं शाहजहां, कितना चैलेंजिंग है? देश की सभी सीटों पर 17 की 17 सीटें जीतेंगे और देखिएगा कि इतिहास रचेगा भारतीय जनता पार्टी। आप आरोग्य भारती के कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस कार्यक्रम को, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बदलाव आएगा सर? देखिए अभी मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या में हमने दुगनी वृद्धि कर दी है, यानी चिकित्सक दुगने आ जाएंगे, तो पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ भी उसके आसपास होना चाहिए। माने के अनुसार पिछले लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। सर कल आप सर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भी मिले हैं, किस तरीके की सर तस्वीर सामने है? अभी उनकी तबीयत ICU में है, तबीयत खराब है और चिकित्सक समय समय पर मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन हमारी सरकार उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और शीघ्र स्वस्थ हों, काम पर लौटें, ऐसे हम प्रभु से कामना करते हैं। हमारे साथ डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मौजूद थे, उनका कहना यह है कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगातार तैयार कर रही है, उसी क्रम में आज एक बैठक है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। उधर संघ प्रमुख आज से 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहेंगे, मोहन भागवत अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, वाल्मीकि जयंती पर मोहन